वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम वेब डेवलपमेंट कोर्स का बकायदा से आगाज करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको वेब डेवलपमेंट का एक इंट्रो दिया था, ताकि आपको कोर्स शुरू होने से पहले ये कम अज कम मालूम हो जाए कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, कैसे कैसे हम वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट से मुतल्लिका तमाम तफसीलात आप मेरी इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम वेब डेवलपमेंट कोर्स की पहली वीडियो में VS कोड के बारे में सीखेंगे। आपके सामने ये एक इंटरफेस शो हो रहा है, ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस है। VS कोड के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, फिर इसको यूज कैसे करना है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा ये फोल्डर सिस्टम क्या होता है, इस तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि VS कोड की हमें जरूरत क्यों है। बेसिकली VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है और इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जब चाहे कहीं पे भी इसको यूज कर सकता है। अब VS कोड को यूज क्यों करना है। VS कोड हमारी बहुत हेल्प करता है कोडिंग करते वक्त। जब आप कोडिंग कर रहे होंगे, अभी मैं कुछ आपको करके भी दिखाऊंगा जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जब आप कोडिंग कर रहे होंगे आपको सजेशंस देगा कि वर्क फ्लो को बढ़ाएगा, जिससे आपका काम नहायत आसान हो जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से वेब डेवलपमेंट या कोडिंग आप सीख सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड को कैसे अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे आ जाएं, आपने टाइप करना है VS कोड डाउनलोड। यहाँ पे सबसे पहले जो लिंक आपको मिलेगा विजुअल स्टूडियो का, इसको आपने ओपन कर लेना। लिंक ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल या मैकबुक यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होते हुए। जैसे ये डाउनलोड होता है तो मैं वापस आता हूँ। जी व्यूअर, ये देखिए मेरे पास VS कोड का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। शो इन फोल्डर, आपके डाउनलोड फोल्डर में आपके पास ये VS कोड का आइकन शो हो जाएगा। VS कोड पे आप डबल क्लिक कीजिए, रन कीजिए, आई एक्सेप्ट कीजिए, ये लेसन को आप पढ़ लीजिएगा क्या कुछ है इसमें, और एक्सेप्ट करके आप इसे नेक्स्ट करें। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, अब पहली ऑप्शन में वो पूछ रहा है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, क्या आप डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर दें। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये चारों बॉक्सेस अनचेक होंगे, आप इनको चेक कर दें चारों को। इसके बाद आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये इंस्टॉल है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस ये सिंपल चार स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आप इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं वेब डेवलपमेंट रख देता हूँ। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। फोल्डर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ओपन विद कोड। एक चीज याद रखिएगा, ये ओपन विद कोड तभी सजेशन में आपको मिलेगा जब अगर आपने इंस्टॉल करते हुए चारों चेकबॉक्स को चेक किया हुआ है। मैं इसे करता हूँ ओपन विद कोड। ये मेरे पास VS कोड का इंटरफेस शो हो गया। सबसे पहले अब ये क्या चीजें हैं इनको हम देख लेते हैं। इसे आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स होंगे जिसमें आप कोडिंग कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है तो अभी मैं आपको HTML की फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं आप नेम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और इन दोनों का अभी बिगनर लेवल पे आपका काम नहीं है तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन में आ जाएं। यहाँ पे आप जैसे हम प्ले स्टोर से एक्सटेंशन ऐड करते हैं, यहाँ से आप कोई भी एक्सटेंशन जो VS कोड में रन होती है टाइप करके सर्च कर सकते हैं।
सबसे पहले आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जिसका नाम है लाइव सर्वर। ये देखिए, इसको मैं करता हूँ क्लिक। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इसका क्या काम है ये मैं आपको अभी जब फाइल बनाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं आ जाता हूँ फाइल पे। यहाँ पे आप न्यू फाइल बना सकते हैं, वैसे आप कंट्रोल एन के साथ शॉर्टकट तरीके के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद ओपन फोल्डर, आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ओपन फोल्डर कर सकते हैं। मैं आपको HTML की फाइल बनाना सिखाता हूँ। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें आप, यहाँ पे आप लिख लें index.html। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि इंडेक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे जो वेबसाइट का पहला पेज होता है वो इंडेक्स ही होता है। .html एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। अब इसमें दूसरी बात जो याद रखने वाली वो ये है कि इंडेक्स के बाद या डॉट के बाद या डॉट से पहले या HTML से पहले कोई भी स्पेस आपने नहीं देनी। अब मैं इसको कर देता हूँ इंटर, तो मेरे पास यहाँ पे फाइल सेव होगी। अब ये HTML का साइन हमें शो हो रहा है, बेसिकली ये कोड का साइन होता है। हम अब यहाँ पे पहला कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेस करूंगा Shift 1। जैसे ही मैंने Shift 1 प्रेस किया, हमारे पास यहाँ पे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट आ गया। कैसे आया दोबारा देख लें आप। मैंने यहाँ पे फाइल सेव करने के बाद प्रेस किया Shift 1। Shift 1 प्रेस करने के बाद आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दें या आप इसको इंटर कर दें, तो हमारे पास HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट आ जाएगा। सबसे पहले ये लिखा हुआ है डॉक टाइप, इसका मतलब है कि इसने ब्राउजर को बताना है कि इसमें इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज होगी। डॉक्यूमेंट ब्राउजर को बताएगा कि ये एक HTML की फाइल होगी। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड का साइन है HTML, और इसमें बता रहा है कि लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। इसके बाद आ जाता है ये हैड टैग। अब ये हैड टैग देखें आप, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये भी हाईलाइट हो गया और ये नीचे वाला हैड भी हाईलाइट हो गया। अब ये हैड जो है ये बेसिकली ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप क्लोजिंग टैग में देखें तो यहाँ पे आपको बैक स्लैश नजर आती है हेड से पहले, ये ही निशानी है क्लोजिंग टैग की। अब इसमें ये तीन चीजें मेटा, इनका अभी बिगनर लेवल पे हमारा काम नहीं है, तो बेसिकली ये SEO के लिए यूज होती हैं। हमारा काम वेब डेवलपमेंट अभी सीख रहे हैं, तो हमारा काम टाइटल से स्टार्ट होगा। टाइटल पे क्लिक किया, अब ये टाइटल ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसमें अगर आप देखें तो क्लोजिंग टैग में बैकस्लैश आ गई है, जैसे हेड में आ रही थी ओपनिंग में और ये इसका क्लोजिंग, इसी तरह टाइटल ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। अब इसमें मैं लिख देता हूं माय फर्स्ट HTML फाइल। अब ये मैंने यहां पे लिख दिया माय फर्स्ट HTML फाइल। अब ये हमें कहां पे शो होगा, इसको देखने से पहले हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। कैसे सेव होगा, हम कंट्रोल एफ के साथ जैसे फाइल सेव करते हैं सेव करेंगे। इसके बाद अगर मुझे अब इसका आउटपुट देखना है तो आप यहाँ पे आ जाएं, गो लाएगा, आपके पास बटन आएगा। अब ये बटन कब आएगा, ये बटन तभी आपके पास आएगा अगर आपने यहाँ से एक्सटेंशन लाइव सर्वर इंस्टॉल कर रखी है। अगर नहीं की तो आप अभी भी इसको कर लाइव सर्वर। अब मैंने की हुई है तो मैं इसको अब क्लिक करता हूँ गो लाइव को। जैसे ही मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो सर्वर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे शुरू हो गया। ये फाइल मेरे पास जो मैंने बनाई थी फाइल HTML की, यहाँ पे ओपन हो गई। अब जो चीज मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखी थी माय फर्स्ट HTML फाइल, ये कहाँ पे शो हो रही है, ये यहाँ पे हमें शो माय फर्स्ट HTML फाइल। अगर मैं इसमें डॉट लगा देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो मुझे डॉट भी नजर आ जाएंगे।
ये बेसिकली हमारा HTML का बॉयलरप्लेट था। आज की वीडियो में हमने देखा कि VS Code क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर HTML का कोर्स यहीं से VS Code से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।